के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महानगर में चल रहे हुक्का बार पर एसपीसीटी ने मारा छापा, मिले हुक्का के फ्लेवर, कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन विभाग, डीएम ने कहा मतदाता सूची में दर्ज करा ले अपना नाम। फोर लेन में अधिग्रहित मकान तोड़े जाने के दौरान छज्जा गिरने से हादसे में हुई वृद्ध की मौत, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा मुकदमा दर्ज करने की जा रही कार्रवाई। भाजपा किसान मोर्चा के अधिवेशन और किसान रैली के सकुशल संपन्न कराने पर जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों और जनता को दिया धन्यवाद, कहा पीएम ने करोड़ों की योजनाओं के सौगात देकर बढ़ाया जिले का मान। भाजपा किसान मोर्चा के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रधानमंत्री किसान रैली को सकुशल संपन्न कराने पर एसएसपी सुनील गुप्ता ने पुलिस कर्मियों और जनपद वासियों की दी शुभकामनाएं, किया आभार व्यक्त। महापौर ने की नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक, महानगर की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, समाधान पर बनाई गई रणनीति। जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला पंचायत सदस्यों की बैठक, विभिन्न समस्याओं पर जिला पंचायत सदस्यों ने जताया विरोध, सीडीओ ने दिया समस्याओं के समाधान का आश्वासन। महाशिवरात्रि को लेकर महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई सुपरवाइजरों के साथ बैठक, वार्डों में गंदगी मिलने पर दंडित होंगे सुपरवाइजर, अच्छे काम पर होंगे पुरस्कृत। मारवाड़ बिजनेस स्कूल में आयोजित हुई वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता पूर्वक किए गए विचार। राष्ट्रवंदन समिति ने उतारी भारत माता की आरती, पुलवामा के शहीदों को दीपमालाओं से दी गई श्रद्धांजलि। और अखिल भारतीय प्राइज मनी महिला आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन, उद्घाटन मैच में एसएसबी ने महाराष्ट्र को 3-2 से हराया।